हाय फ्रेंड्स, तो मैं आज आप लोगों को घुमाने वाली हूँ ये मार्केट नहीं बेंगलुरु फोर्ट। सिल्क बोर्ड से सिर्फ 9 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। 25 रुपए की मात्र टिकट लगने वाली है अगर आप BMTC बस लेते हो तो। कोई एंट्री फीस नहीं है यार, मतलब आप लोगों ने जो गूगल रिव्यू देखा होगा कि एंट्री फीस है इसके लिए, बिल्कुल गलत। आज की डेट में 2023 में ये बिल्कुल फ्री है। आप जाइए वहाँ पर, घूमिए, हिस्ट्री के बारे में देखिए, इसके हर एक चीज़ आपको, वैसे तो मैं इस वीडियो में बताने ही वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी जगह आए हम। टीपू सुल्तान पैलेस से जस्ट 700 मीटर्स बाय वॉक आप आ सकते हो आराम से। ये जगह का नाम है बेंगलुरु फोर्ट। उस दिन हम गए थे बैंगलोर पैलेस, लेकिन अब हम आए हैं बेंगलुरु फोर्ट। आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है। आगे मैं आपको पूरे वीडियो में फोर्ट भी घुमाऊंगी, आप देख सकते हैं सारी जगह वीडियो में। अभी एक स्पेशल जगह आपको दिखाना चाहती हूँ जो कि बहुत रेयर लगी मुझे इस फोर्ट में, क्योंकि मैं हैदराबाद का गोलकुंडा फोर्ट भी गई थी, वहाँ के भी ऐसे दीवारों में मुझे वो चीज़ नहीं दिखी। तो ये देखिए, शिवलिंग बना हुआ है। आप अगर जूम करके देखेंगे, शिवलिंग की प्रतिमा है वहां पर। जूम करके दिखा दूं मैं आपको, देखिए कितनी प्यारी है। तो चलिए अब जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बेंगलुरु फोर्ट। सो बेंगलुरु फोर्ट का कंस्ट्रक्शन 1537 में मिट्टी के फोर्ट के रूप में शुरू हुआ और इसके निर्माता कैंपे गोड़ा थे, जो कि बेंगलुरु के फाउंडर और चीफ ऑफ विजयनगर एम्पायर भी थे। उनका सपना था कि वो एक ऐसा शहर, एक ऐसा सिटी बनाए जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, जैसे हम्पी है। सो इसीलिए वो चाहते थे कि बेंगलुरु में सारे फोर्ट्स, टेम्पल्स, टैंक्स, वाटर रिजर्वियर्स, बहुत सारी चीज़ें रहे जिससे लोग काफ़ी आकर्षित हों बेंगलुरु को लेकर। हैदर अली ने 1761 में मिट्टी की दीवार के स्थान पर पत्थर की दीवार बनवाई, जिसे 18 सेंचुरी के अंतिम काल में उसके बेटे टीपू सुल्तान ने और सुधार कराया। 1791 के एंग्लो मैसूर वॉर में ये डैमेज हो गया। आज भी ये 18 सेंचुरी के किलाबंदी का अच्छा एग्जाम्पल है। और जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ डैमेज के मार्क्स अभी भी आपको दिखाई देंगे, कुछ डैमेज्ड एरियाज भी आपको दिखाई देंगे उस टाइम के। अब हिस्ट्री की बात कर ही रही हूँ तो बिना अंधविश्वास के तो इतिहास अधूरा है। तो ये भी बता देती हूँ आपको, एक फेमस लेजेंड के अनुसार महल के निर्माण के दौरान दक्षिणी प्रवेश द्वार बनने से पहले ही ये ढह जाएगा, ऐसा कहा गया था। तो शाही पुजारियों ने बुरी आत्माओं को भगाने के उपाय के रूप में मानव बलि का सुझाव दिया, जो कि कैंपे गोड़ा इसके पूरी तरह खिलाफ थे। यह तब था जब एक रात उनकी बहू लक्षम्मा ने दक्षिणी द्वार के पास तलवार से अपना सिर काट लिया, जिससे किला बिना किसी और दुर्घटना के पूरा हो गया। किले का निर्माण पूरा होने के बाद कैंपे गोड़ा ने कोरमंगला में अपनी बहू की याद में एक मंदिर बनवाया। इस तरह के अंधविश्वास तब भी हमेशा प्रचलित थे। हालांकि कैंपे गोड़ा एक तर्कसंगत शासक थे, जो कभी भी इसके लिए सहमत नहीं होते या किसी को ऐसा गंभीर कार्य करने की अनुमति नहीं देते। फिर भी उनकी बहू के बारे में कहा जाता है कि वह रात में भाग निकली और अपने ससुर की समस्याओं को चुपके से सुनकर खुद को बलिदान कर दिया। बात करूं इस महल की तो आपको जगह जगह कमल, मोर, हाथी, पक्षियों की नकाशी दिखेगी। तो बहुत ही प्यारा फोर्ट लगा मुझे तो, एंड वन डे ट्रिप के हिसाब से आप बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज़ ट्रिप। थैंक यू सो मच, एंड दिस इज ज्योति रावत साइनिंग ऑफ। बाय बाय।